ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडीज़ में यूनिट वन की चैप्टर 1.2 के MCQs यस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी हरियाणा बोर्ड की जो आर के सिंगला की बुक है उसमें से लिए गए हैं। पहले, दो नृत्यक, दो वक्ता, दो कलाकार अथवा दो लेखक अपनी कला के प्रदर्शन में भिन्नता होगी। कला की उस विशेषता को पहचानिए जो उपरोक्त कथन से संबंधित। देखिए, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी कला का प्रदर्शन करता है, तो वो क्या है, व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग इसका सही आंसर होगा। विशेषकों ने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो एक विशेष प्रकार की कला में प्रयुक्त होता है। कला की उस विशेषता को पहचानिए जो उपरोक्त कथन से संबंधित है। देखिए, अपने अपने सिद्धांत है, तो ये किस कला की कौन सी विशेषता को दर्शाएगा, सैद्धांतिक ज्ञान का होना, ऑप्शन सी। विज्ञान के सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच में संबंध पर आधारित है। उदाहरण के लिए, पेड़ से सेब का टूटकर पृथ्वी पर आने की घटना गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जन्म देती है। ये विज्ञान की किस विशेषता को पहचानता है, ये किसको पहचानेगा, क्रमबद्ध ज्ञान समूह। नेक्स्ट है, भारत में किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित एक परीक्षा को पास करना होगा। पेशे की उस विशेषता को पहचानिए जो प्रोत कथन से संबंधित है, तो यह पेशेवर संघ, नैतिक आचार संहिता, सेवा उद्देश्य या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो परीक्षा देने की पहली बात होती है वो अवरोधित संघ जो होता है उसके अनुसार मानी जाती है। अवरोधित प्रवेश जो विशेषता उसके अकॉर्डिंग है, जो इन चारों में से कोई भी नहीं है, तो ये क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ है, हम जानते हैं कि संगीत 7 सुरों पर आधारित है, लेकिन किसी संगीतकार की संगीत रचना विशिष्ट अथवा भिन्न हो सकती है। इस बात पर निर्भर करती है कि सुरों को किस प्रकार से सृजन किया गया है, जो उसकी अपनी व्याख्या होगी। तो कला की उस विशेषता को पहचानिए जो प्रोक्त उदाहरण से संबंधित है, किस होगी, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित, क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है कि 7 सुरों को किस तरीके से वो करेगा, तो उसकी क्रिएटिविटी है, तो व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। चिकित्सा अथवा कानून के पेशे में डॉक्टर अथवा वकील के पास वैध डिग्री का होना आवश्यक है, लेकिन विश्व में कहीं पर भी प्रबंधक के लिए कोई विशेष डिग्री अनिवार्य है नहीं है। यहाँ चर्चित उस विशेषता को पहचाने जो प्रबंध की विशेष इसको पूरा नहीं करता, वो है अवरोधित प्रवेश, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी डिग्री ऐसी नहीं है जिसको पास करना जरूरी है। प्रबंधक की उस प्रकृति को पहचानिए जो उस इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान ज्ञान को व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग में लाता है। देखिए, जहाँ पर भी व्यक्तिगत योग्यता आएगी वहाँ पर कला का नाम लिया जाएगा प्रबंध कला के रूप में। निम्न में से किसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, प्रबंधक के लिए कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है। प्रबंध एक कला है, विज्ञान, कला विज्ञान दोनों या कोई नहीं, आंसर होगा कला और विज्ञान दोनों। कॉलम मिलाएंगे, कला किस माना जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान पहले से होना चाहिए। देखिए, किसी भी कला के लिए कुछ तो ज्ञान पहले से होना जरूरी है, तो ए को मिलाएंगे 2 से। विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान समूह है, बी को मिलाएंगे 1 से। पेशा, प्रवेश करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, शैक्षणिक उपाधि होने की शर्त है, तो सी को 3 से, तो ऑप्शन डी होगा, A2P1C3। एक चित्र दिया गया है, ये प्रबंध की कौन सी विशेषता को दर्शा रहे हैं। देखिए, डॉक्टरी का पेशा दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर क्या है, एक पेशा, तो यहाँ होगा प्रबंध पेशे से संबंधित इसको दिखाया गया है, चित्र पेशे से संबंधित है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, पहला है, प्रबंध द्वारा अवरोधित प्रवेश मापदंड की पूर्ति नहीं करता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रबंधक बनने के लिए किसी भी परीक्षा को देना अनिवार्य है नहीं है, तो ये पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट है, प्रबंध का अभ्यास एक कला है, हालांकि यदि अभ्यास प्रबंध के सिद्धांतों पर आधारित हो तो प्रबंधक बेहतर काम कर सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो दोनों कथन सत्य है। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, डैश ज्ञान एक क्रमबद्ध समूह और इसकी वैधता सार्वभौमिक है, जहाँ पर भी क्रमबद्ध समूह आएगा वो विज्ञान से रिलेटेड होगा, आंसर विज्ञान। पेशे में प्रवेश परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता के द्वारा डैश होता है अवरोधित, ठीक है, पेशा किसे अवरोधित है।
सभी डैश आचार संहिता से बंद होते हैं, उसके सदस्यों के व्यवहार को दिशा प्रदान करता है, तो ये क्या पेशे की आचार संहिता से बंधे होते हैं। आंसर होगा पेशा। ट्रू फॉल्स करेंगे। प्रबंध को कला नहीं कहा जा सकता क्योंकि कला की सभी विशेषताओं को पूरा नहीं करता, असत्य क्योंकि सभी विशेषताओं को पूरा करता है, कथन असत्य। प्रबंध के विद्यार्थी भी अपनी सृजनात्मकता के आधार पर प्रबंध के सिद्धांतों को अलग ढंग से प्रयुक्त कर सकते हैं, सत्य क्रिएटिविटी वो दिखा सकते हैं। प्रबंध का संबंध मानव एवं व्यवहार मानवीय व्यवहार से है, इसलिए इसके सिद्धांतों के परिणाम का सही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, असत्य। देखिए मानव से संबंधित है, किस बात का किस मानव पर क्या इफेक्ट होगा उसका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, जबकि ये कह रहे हैं पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो ये असत्य है। 19वां है वन वर्ड आंसर देने। इसका अभिप्राय वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु वर्तमान ज्ञान का दक्षता पूर्ण और व्यक्तिगत उपयोग से, व्यक्तिगत उपयोग आते ही कला। इसका संबंध कर्मबद्ध ज्ञान समूह से, कर्मबद्ध ज्ञान समूह आती विज्ञान। इसका अर्थ उस आर्थिक क्रिया से जो विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के निष्पक्ष सेवा करता है, पेशा। तो ये थे आपके चैप्टर 1.2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सभी आपको जो अच्छे से करने हैं।